अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं सहरिश आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। गढ़ी खुदाबख्श में पीपल्स पार्टी की अदलिया पर तनकीद, जज नहीं हमेशा अवाम का फैसला माना जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म ने खत ना लिखकर कोई जुर्म नहीं किया। एतजाज ने भी हक के वकालत अदा कर दिया। मेनेजर भुट्टो की कब्र का ट्रायल नहीं होने दिया जाएगा। बिलावल भी पीछे न रहे। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमसे बिछड़े 33 बरस बीत गए। भुट्टो के देरीना साथी और पार्टी रफ़का आज भी उन्हें याद करके पुरानी यादें ताजा करते हैं। जलालपुर भटिया में कारी ने सबक याद न करने पर दो बच्चों पर शदीद तशद्दुद किया। वरसा का शदीद एहतजाज। कराची में अमन बहाल न हो सका, मजीद 5 हलाकतें। अंचोली में तोड़फोड़। गिलगित में भी बदस्तूर कशीद की, 14 हलाकतों के बाद इलाके में फौज का गश्त, आज मुकम्मल हड़ताल होगी। शेखुपुरा में जमींदार ने बेटियों के साथ मिलकर मुलाजिम को कत्ल कर दिया। खुदकुशी करार देने की कोशिश, बेवा इंसाफ के लिए दरबदर खुदसोजी की धमकी। सिंध में तालीमी साल का आगाज हो गया लेकिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें दस्तयाब नहीं, तलबा और वालिदैन की परेशानी में इजाफा। आम अशिया के साथ साथ मेकअप का सामान भी महंगा हो गया है। खूबसूरत नजर आने की शौकीन खवातीन परेशान। और हॉलीवुड अदाकार एशन कोशर एप्पल के अनजानी बानी पर बनने वाली फिल्म में स्टीव जॉब्स का किरदार अदा करेंगे। खबर की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ और मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv। समी साहब को